मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुव्रीही समास का अर्थ पढ़ा था, अब आज हम उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने बहुव्रीही समास का क्या अर्थ पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, वह बहुव्रीही समास होता है। यानि ना पहला पद प्रधान हो यानि पूर्व पद, और ना दूसरा यानि उत्तर पद। और कौन सा पद प्रधान हो, दोनों पद मिलकर किसके ओर इशारा करें, तीसरे पद की ओर, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुव्रीही समास। क्लियर। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुव्रीही समास में दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है, इसको हम कहेंगे बहुव्रीही समास। ठीक है, अब देखते हैं इसके आज हम कुछ उदाहरण। देखिए, सामसिक पद और विग्रह, है ना, ध्यान दीजिएगा इसके उदाहरण में अच्छी तरह से। देखिए, सबसे पहला क्या दिया आपको, दशानन। ठीक है, दशानन। अगर इसका विग्रह हम करते हैं समास का, अगर ये शब्द का हम विग्रह करते हैं, क्या होगा, दशा प्लस नन, और यह दस प्लस आनन, है ना, इसका विग्रह होगा दस प्लस आनन, दशानन। तो देखिए, यहाँ पे दशानन का यदि समास का विग्रह करें तो दस प्लस आनन होएगा बराबर दशानन नहीं। अब ये दोनों पद मिलकर क्या बना रहे हैं, कोई तीसरा ही पद को प्राथमिकता दे रहे हैं, दशानन, यानी कि दस हैं आनन जिसके, दस हैं आनन यानि जिनके दस क्या है, सिर है, है ना। अब आपके मन में क्या आएगा कि दस है आनन, ये दशानन मतलब कौन, जिसके दस सिर हैं, तो कौन है वो, रावण, है ना, वह अर्थात जिसके, यानी दस है आनन जिसके, वह कौन है, रावण। क्लियर। ऐसे ही ये देखो, ये पहले, ये पहला पद और ये दूसरा पद हो गया, ये पूर्व पद और ये दूसरा, इसको हम कुछ भी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जबकि इनने अगर विग्रह किया तो क्या लिख दिया, दस है आनंद जिसकी, मगर इससे हमको कोई मतलब नहीं, दस है आनंद जिसकी अर्थात कौन, रावण। यहाँ ये तीसरा पद को प्राथमिकता दी जा रही है, रावण को। क्लियर। अब ऐसे ही देखते दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, चतुर्भुज, है ना, यानी कि चार भुजा वाला, चतुर और भुज, तो दोनों इनका यदि समास विग्रह करें तो ये पूर्व पद हो गया और ये क्या हो गया, उत्तर पद, और इसका विग्रह करने पर क्या लिखा है, चार हैं भुजा। अब इनका कुछ विग्रह नहीं किया, इनको ये बता दिया हमने विग्रह करके कि चार हैं भुजाएं जिसकी, पर इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है ये समास में, वो क्या बोल रहा है, तीसरे पद को प्राथमिकता दी जा रही, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन, यानी कि विष्णु भगवान। क्लियर। तो ये यहाँ पे बहुव्रीही समास में ये तीसरे पद को प्राथमिकता दी जा रही, यानी कि विष्णु। क्लियर। अब देखिए, गजानन, अब गज प्लस आनन, इसको अगर समास का विग्रह कर देंगे, परंतु यहाँ पे क्या लिख दिया, विग्रह गज के समान है आनन, है ना। अब यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है, ये दोनों पद मिलकर भी कुछ बनाएंगे उससे कोई मतलब नहीं, ये तीसरा जो पद होएगा अर्थात गणेश, ये बहुव्रीही समास में क्या है, तीसरे पद को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी अर्थात गणेश। क्लियर। अब देखिए अगला देखते हैं उदाहरण, पीतांबर, यानी पीत अंबर, यानी जिसके पीले वस्त्र हैं, तो पीला है वस्त्र जिसका, वह अर्थात कौन, श्री कृष्ण जी।
ठीक है, कौन है? श्री कृष्ण। अब अगला देखते हैं, चतुर्मुख यानी कि चार हैं मुख जिसके, अब इससे भी कुछ भी नहीं मतलब। अब तीसरा पद ही को प्राथमिकता दी जा रही, यानी कौन? ब्रह्मा जी, है ना, अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। अब देखते एक बार हम और रिवाइज कर लें, देखिए दशानन है ना, दस प्लस आनंद, दश है आनंद जिसके, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं। वह कौन है? वह अर्थात रावण। तीसरा पद क्या होगा? रावण, ठीक है, तीसरे पद को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। अब चतुर्भुज है ना, तो क्या है? चार हैं भुजाएं जिसकी, तो अब तीसरा पद क्या आ रहा है? चार हैं किसकी भुजाएं? अर्थात विष्णु जी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, गजानन यानी गज के समान है आनंद, ठीक है, उनका शरीर है जो वो किसके समान है? गज के समान। अब जिसका वह अर्थात कौन? गणेश जी। तीसरे पद को फिर प्राथमिकता दी गई, गणेश जी। अब देखिए पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, वह कौन है? पीतांबर यानी पीत अंबर, है ना, अगर इसका हम समास को विग्रह करें तो पीत अंबर। अब पीला है वस्त्र जिसका यानी वह कौन है? अर्थात श्री कृष्ण भगवान। अगला देखते चतुर्मुख यानी चार हैं मुख जिसके, अर्थात वह कौन है? ब्रह्मा जी, यानी हर उस उदाहरण में तीसरे पद को प्राथमिकता दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और क्या करिएगा, इसके उदाहरण की प्रैक्टिस कर दी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।